हे गाइस वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है वो है नेवर मैश विद योर इंडियन पेरेंट्स। तो पिटाई तो फिर पड़ेगी ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हे नाइस कार, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? रोज प्रेगनेंसी, दारू नशे के प्रैंक करके माँ बाप को हार्ट अटैक देता हूँ। आज बढ़िया कॉन्टेंट निकला है। घरों में सब फ्री में मार खाते हैं, मैंने उसको धंधा बना लिया। डियो और आंटी का? अरे वो पिछले प्रैंक से एडमिट है, इनको छोड़ूंगा उनको वापस ले आऊंगा। धंधा चलते रहना चाहिए ब्रो। चलो अब नेक्स्ट प्रैंक के लिए इनको जिंदा भी रखना है। जाओ जाओ। YouTube के होम मेड पंचिंग बैग, जिनको माँ बाप ने बचपन में नहीं पीटा तो वो बकलोली करके खुद पिटना चाहते। प्रेगनेंसी प्रैंक विद फादर, सट्टेबाजी प्रैंक, स्टेरॉइड्स प्रैंक, हाँ ये बहुत चलते हैं पेरेंट्स के साथ जो प्रैंक होते हैं। चाचा ताऊ भी आ जाए सर फोड़ने। इनका चैनल खोलो तो लगता है नशेड़ियों की विश लिस्ट खोल ली। मजेदार सुसु प्रैंक, वेल डन। संडे को फैमिली टाइम में ये नहीं किया तो क्या मजा किया? क्या वाटर पार्क, डिनर प्लान में खर्चा, फ्री में पारिवारिक मूथ प्लान बनाओ। अब ये क्या प्रैंक है? यहाँ इसके पानी से चपाती बन रही है भाई। इंपोर्टेड इनोन मस्क मेन पॉइंट लगाया भाई। प्रैंक शुरू कहीं भी हो, एंड एक ही जगह होता है। प्रैंक है, प्रैंक है, प्रैंक है। तेरे मुक्के मार के तेरा जहर खिला दूं मैं। पिटाई हो रही है ना, ऐसे प्रैंक करेंगे तो पिटाई होगी। पापा को तो ऐसी नजर से मत देख। पहले भरा छोड़, पहले भरा फिर छोड़। घर घुसाएंगे क्योंकि यही हो रहा है असली जान लेवा स्टार्ट। पापा की सोते हुए मुंह छुड़ा दी। हाय रब्बा, कटी है पर तेरी पॉकेट मनी पूरी कटने वाली है भाई। अब फुटपाथ पे हर अंकल की दाढ़ी बनेगा। स्लैपिंग प्रैंक ऑन डैड। पापा को थप्पड़। शमशान घाट की बुकिंग आज की करूँ कि कल की? क्या बात, जो भी तरीका है। ओए ओ भाई, मेरी पट के डायपर दे। छत कैसे इसका सर पे अभी भी? वीडियो वीडियो वीडियो। बस बैठ, मुझे तलवार से पंचर कर देते पीछे। एक होता है घर से बाहर निकालना, या खिड़की से वॉलीबॉल जैसे उड़ा दिए जाते हम। यहाँ नजर उठा के पापा से आई। ऐसे क्या प्रैंक? मैंने हाथ उठा दिया, पापा ने बोला होगा सो रहा हूँ एक घंटे में उठा देना। तो उठाई दी। अब भगवान तुम्हें उठाने वाले, मैं ये करने जाऊं, पैंट गीली होके वैसी पांच चपातियां निकल आएगी जमीन पे। पापा को खड़ा कर रहा था, उन्होंने मुझे ही बाहर खड़ा कर दिया कपड़े का स्टैंड बना के। अब मुंह पे कच्चा सुखाते हैं। फिर ये हुक्का के लिए गंदा पिट रहा था, तो सिचुएशन ठंडा करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? कि मम्मी एक पी के साथ ही बैठ जाएगी महफिल जमा के हुक्का पीने, गुस्सा वही छल्लों में उड़ा देगी। दोस्तों का ऐसे ही मूड बनता है, क्या पता मम्मी का भी बन जाए। और ऐसे ढीठ हो चुके हैं कि पिटाई से डर ही नहीं लगता भाई। धूम्रपान प्रैंक। पता है पापा छाती पे फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले, दया बन के इसको दरवाजा बनाने वाले हैं। इंट्रो में इतनी एक्साइटमेंट जैसे पिकनिक पे जा रहा है। व्हाट अप माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। हां ठीक है। एंड नो वन रियली केयर्स अबाउट इट एंड वेलकम। तो पूछा क्यों भाई? तो ये प्रैंक मैं मेरे मम्मी पे करने वाला हूं। मम्मी पे? अबे अगरबत्ती नहीं है जो शुद्धि फैला रहा है पूरे घर में? ये काई, काई। सब्जी भूल के मम्मी इसी को पीसने लग गई। आंटी सोयाबीन जल जाएगा। इसे क्या, इसने तो पेट भर लिया मार खा खा के। फिर मम्मी जाती है हथियार बदलने। अरे की अब ये सब में मजा आ रहा है। दोस्त के बर्थडे पे भी बोलता होगा कि बर्थडे बम्स मुझे ही दे दो, मजा आता है। हम तुम में इतने छेद करेंगे। नहीं मम्मी। हाँ ये कर लो, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। गंदा इतना मोटा सांड हो गया। आए, 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 आए। ताकि मेरी मम्मी मुझे ये ताना ना मारने लगे। सांड हो गया। बेस्ट है चॉकलेट प्लस पीनट बटर का कॉम्बो। माय फिटनेस का चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर, जो टेस्टी भी है विद हाई प्रोटीन कंटेंट, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। इसमें है बढ़िया इंग्रेडिएंट्स जैसे अनस्वीटेंड बेल्जियन डार्क चॉकलेट, ब्राउन शुगर और पिंक हिमालयन सॉल्ट। साउथ बॉम्बे वाली फील आ गई एक सेकंड के लिए। और ये वीगन, कीटो फ्रेंडली और ग्लूटेन फ्री भी है। और ये बहुत फ्लेवर्स में अवेलेबल है जैसे ओरिजिनल चॉकलेट, नेचुरल और हनी। सो डू चेक इट आउट। अब ये दारू नशे के प्रैंक सालों से कर लिए, उससे बुरा क्या है?
क्या कर रहा है? फोटोज ले रहा ना। अच्छा छोड़ मोबाइल को, देख अच्छा रहा है, देख अच्छा रहा है। तो आधार कार्ड पे लगवा दे, देख अच्छा रहा है। पापा से पूरी बिकिनी शूट करवा रहा है। क्या एक्शन काय की कर रहे हो? विदेशियों के पास होगी मिया एंजेलिना, हमारे पास ये हुस्न परी है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। ये कहां से सिखा तूने ये? क्या ये फोटो की कहां से सिखा तूने ये? सलमान भाई से। आपके गर्लफ्रेंड की मुझे दूसरे पापा चाहिए प्रैंक, और मुझे दूसरी शक्ल चाहिए। प्रैंक के नाम पे कुछ भी मांग लो। अब छोटा बच्चा देखना, जब ये पेट में था तब मम्मी स्क्रिप्ट खाती थी क्या? क्या है ये? कमेंट सपोर्ट नहीं करना, बताओ बच्चों से भी कराते हैं। तैमूर से लिखवा के दो इसके सबटाइटल्स, मुझसे नहीं हो रहा। बेटा ये कर ले पहले। क्या दूसरी कक्षा में गया नहीं, इसे दूसरे पापा चाहिए। प्रैंक नहीं, यहाँ तो परवरिश गॉन रॉन्ग। तो भाई आज की वीडियो में कुछ आतंक काट देंगे, वो कुछ क्रेजी होने वाला है। तो गाइस वो है टॉपिक पॉटी प्रैंक। हल्दी और आटे से। तो थैंक्स भाई रेसिपी बता दी, आज डिनर में यही बनाने वाला था। हल्दी और आटा तो मैंने मिक्स करूंगा, पानी भी है। तो गाय हल्दी में मिला दो, पानी मिलाऊं क्योंकि इस पे थोड़ा गाढ़ा कलर चाहिए ना। पॉटी तो नहीं, मम्मी की हल्दी बर्बाद करने के लिए पिट गया। और कई बार इन्हें प्रैंक से जो रिएक्शन चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फेकिंग माय मौत, बेहोश पड़ा है जमीन पे, और पापा टीवी नहीं देख लो। सब मरना है तो पापा के न्यूज देखने के बाद मरो, 10 से 11 बजे का मुहूर्त पकड़ो, क्योंकि उससे पहले तो कोई एम्बुलेंस नहीं बुला रहा। पर शायद अब सेंटी हो जाए पापा। अरे इतना प्यार, पूछा मरने पे तो इमोशनल होंगे, पूछा था आंखें नम होगी, पिट के इसी की चड्डी नम होगी। पापा भूल गए कि इंसान है टीवी रिमोट नहीं जो दो बार मारने से चलने लगेगा। पापा यहाँ भी डिसअपॉइंटेड, पड़ोसी का लड़का अभी भी जिंदा है, तो तू क्या मर रहा है बे? पुट पेशेंट इन यूएसए CPR, चेस्ट कंप्रेशन, पेशेंट इन इंडिया एक बेल्ट और जान हाजिर। करने के लिए हमें ऐसे ना पीट दे। यहाँ ये बंदा कर रहा है टैटू प्रैंक, सोचा मम्मी उसके लिए मारेगी, पर ये तेरे से बाल नहीं कटवाए जाते, इतने बड़े हो गए, चार दिन से दूध नहीं लेके आए सुबह, तू ये खाने का ये करने का टाइम है तुझे? यहाँ मम्मियों को सिर्फ घर के कामों से फर्क पड़ता है। मम्मी मैं चार बच्चों को उड़ा के आ, तेरे पास बाल कटाने दूध लाने का टाइम नहीं है, क्राइम करने का टाइम है तेरे पास। फिर ठीक है मेरा राजा बेटा, इसी दूध से तेरे लिए आज खीर बनाती हूँ। और अपने पर्सनालिटी के साथ जो प्रैंक जचे ना वही प्रैंक करने चाहिए, वरना मेरी गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। मानी नहीं, मम्मी को भोली शक्ल पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो। मम्मी सोच रही है तू किसी को प्रेग्नेंट, इसका फोन कस्टमर सर्विस वाली भी काट दे, अलेक्सा भी हाई ना बोले। मुझे ही देख लो, सूट होगा मेरे पे प्रेगनेंसी प्रैंक, ऐसी न्यूज सुनाऊंगा घर वालों को स्टैंड अप कॉमेडी लगेगा। फिर इसने सोचा मम्मी मान नहीं रही है मैं सिंगल भी हूँ, पर प्रेगनेंसी प्रैंक पे बहुत व्यूज आते हैं, तो मैं खुद ही प्रेग्नेंट हो जाता हूँ। अरे मेरे को लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। दुनिया भर के डॉक्टर सदमे में, प्रेग्नेंट लौता लड़का जिसने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप मारा है। इसका मतलब समझता क्या होता है? अब तो प्रैंक नहीं 12 साल की स्कूल फीस बर्बाद करने के लिए पिट रहा है। सिम्टम क्या है? कल रात से पेट में दर्द दे रहा है, कल उल्टी भी हुई मेरे को, पेट भी देखो मोटा होता जा रहा। भाई बासी मोमो जो लाल चटनी में डुबो के खाए ना, उसके सिम्टम है ये, प्रेगनेंसी के नहीं। मेरे को लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। टेस्ट कराई? मेरे को लग रहा है मैं हूँ। मौसम नहीं है ये, आज
ठंडा लग रहा है आज, प्रेग्नेंट लग रहा है। मेरे को लग रहा है मैं तो हूँ। प्रेग्नेंट लड़कियां होती लड़के नहीं होते, इसलिए बोलता हूँ फेसबुक मत देखा करो यार, मेरी तरह ये भी पता है। और कभी पापा से बच्चा कैसे होता है उसके बाद प्रेग्नेंट होते क्या? फिर तो प्रैंकस्टर्स के करोड़ों बच्चे हो जाते हैं, एक पूरे गांव को तो मैं ही जन्म दे दूं। और कई बार ही अपने दोस्तों को प्रैंक में मदद करने के लिए बुलाते हैं और बेचारा वही गाली खा जाता है। यहाँ तीन बेस्ट फ्रेंड और बेटा दारू का सेटअप लगा के बैठे हैं। फिर पापा आते हैं और अब क्या है सब? दोस्त है हमारा खास दोस्त, स्कूल का फ्रेंड हूँ सब लोग। प्रैंक अंकल पे था, मजाक इसका बन गया। तीस सब रहे थे पर गंजेड़ी ये गंदी शक्ल का एग्जांपल भी यही। शक्ल देखा देखा नहीं आ? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ तू गंजेड़ी, ये नहीं तू, कंफ्यूज मत होना तू। अब कभी लड़की हैंडसम बोल दे तो भी भाई को यही पल याद आएगा। भाई मैंने क्या किया, हर बार नमस्ते भी करता हूँ, अपने घर की दूसरी चाबी भी इन्हीं को देता हूँ। अब से बिल्कुल नहीं, ये सस्ता भुवन बाम घायल को ही शील्ड बना दिया बेचारा। ये बंदा गली में भी दिख गया तो उसी को पिटा। आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती। देखो पर बॉल मिडिल स्टंप पे लग रही है बार बार। मैच देखने आई ऑडियंस ही पिट गई। इतने खड़ूस अंकल पे प्रैंक किया है क्यों? बहुत सही है वो, स्ट्रॉन्ग बंदे। आज के बाद कभी नहीं भूलेगा स्ट्रॉन्ग बंदे, स्ट्रॉन्ग। और शर्म थोड़ी है जो पिटाई में वीडियो एंड कर दे, आउट्रो देंगे पिटाई के बीच। चल निकल, लाइक एंड सब्सक्राइब। सामने पीस की बातें अच्छी नहीं लगती जब पीछे बम फूट रहे हो, और हर वीडियो में पिटाई होती है तो गॉन रॉन्ग प्रैंक, गॉन रॉन्ग प्रैंक, गॉन एक्सट्रीमली रॉन्ग, गॉन रॉन्ग प्रैंक। दारू पी मार पड़ी गॉन रॉन्ग, तो गॉन राइट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बेटा तुम्हारे वाटर बॉटल ने भी दारू भर दी है, स्कूल में भी मजे गॉन राइट। और इन्हें पता है कि कितना स्ट्रेस देते हैं माँ बाप को ये सब प्रैंक्स। फ्रंट पे कमेंट किया था अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा, एक्चुअली हम लोग इसके डैड पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। अभी तक प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, पर आज हम दे देंगे ब्रो। किसी की मम्मी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई, ये शूट हो रही है वीडियो, किसी की मम्मी रोने लगी। तुम्हारे लिए मजाक है पर उनकी आंखों में 10 मिनट के लिए तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए इज्जत सब खत्म हो जाती है, और फिर तुम कहते हो हाहा इट्स अ प्रैंक। भाई उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, उन्हें रहने दो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप चप्पल, बेलन, बेल्ट इत्यादि से कभी पिट चुके हो लाइफ में तो सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा और हेल्दी प्रोटीन ऐड करने के लिए माई फिटनेस का पीनट बटर चेकआउट करना मत भूलना। SP10 कोड यूज करके आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मुझे दूसरे पापा चाहिए। करेक्ट, मैं सोच तो रहा था, बस तुझसे सुनना चाहता था मम्मी के लिए डिवोर्स पेपर्स। पापा के पापा मजाक कर रहे थे इट्स अ प्रैंक। ओ पापा जल्दी। तो आजकल ये जो प्रैंक चल रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही, मतलब छोटे बच्चे भी बना रहे हैं, बड़े बच्चे भी बना रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा था वो क्या बोल रहा था कि मुझे दूसरे पापा चाहिए पैदा होते उसे प्रैंक बनाना सिखा दिया। बल्कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऐसे प्रैंक वगैरह, मतलब इतने छोटे बच्चों से अभी तक अभी से ये करा रहे हैं तो बड़े होके पता ही नहीं क्या करेंगे। ये मोस्टली ना लड़के ऐसे ही प्रैंक बनाते हैं कि गर्लफ्रेंड प्रेगनेंट हो गई, हम शादी करके आ गए, प्रेगनेंट हो और हम शादी करके आए। वो सही था जिसमें उसने बोला था मेरी गर्लफ्रेंड प्रेगनेंट हो गई, तो क्या होती है चल चल चल, कोई उम्मीद ही नहीं है। दूसरा वो पापा जो कि मुझे एक घंटे बाद उठा देना मैं सो रहा हूँ। हाँ, उठाने के लिए बोला था, जगाने के लिए थोड़ा बोला था, कहा था उठा देना तो उठा उसने सीधा खड़ा कर दिया पापा को, और वो मम्मी से पिटाई खा रहे हैं। कौन सा था वो? वो तो बहुत सारे थे जिसमें पिटाई खा रहे थे, वो जो उससे बेल्ट से नहीं, वो पापा वाला था मैं मर गया हूँ। हाँ मैं मर गया, और उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रिएक्शन अच्छा था वैसे उनके फादर का कि कहाँ एक, वैसे उन्होंने देख लिया होगा ना, वो
चेक कर लिया होगा, पता चल गया होगा कि हाँ और कि नाटक कर रहा है। और वो जो थप्पड़ मारे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब बेल्ट पड़ी तो सीधा खड़ा हो गया। और कौन सी थी दारू वाले भी अच्छे थे, जिसमें वो अंकल आके वो बियर की बोतल में पैर मारते हैं। हाँ, वो एक ही बंदे को वही गंजेड़ी। हाँ वो उसका दोस्त ही फंस जाता है मेरे ख्याल से, बेटे को कम दोस्त को ज्यादा मार पड़ती है बार बार। ये तेरा दोस्त है गंजेड़ी, उसको थप्पड़ पड़ गया, फिर पकड़ लिया उसको कॉलर। अच्छा उसे पता चल गया होगा उस दिन क्या क्या मतलब कि वो है, मतलब क्या सोचते हैं ये मेरे बारे में, है ना, गंजेड़ी बोलते हैं ये मुझे। तो ऐसा प्रैंक करो जिसमें आपको पिटाई ना पड़े, खासकर आपके दोस्तों को पिटाई ना पड़े। सो ऑल ओवर वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत फनी भी थी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं और प्रैंक का मजा ले सकते हैं। अब मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।